हाय गाइस, अकाउंट्स का एग्जाम आप सभी का हो चुका है। एग्जाम जैसा भी हुआ हो, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आप बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बेटर बट यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। तो जैसा कि हमारा अगला पड़ाव है लॉ की तरफ और अगले दो दिन आप लॉ के साथ ही जीने वाले हैं, सो मेरी सबसे पहले एडवाइस आपको यहां पर यही रहेगी कि आप अपने एंटायर सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करें, उसे मल्टीपल रिविजन्स दें। मल्टीपल रिविजन से यहां मेरा मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आप उन्हें बार 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 रिवाइज करें। अपने एक्सपीरियंस एंड अपनी जो भी मेरी लर्निंग है, मेरी LLB के दौरान जो रही है, मैंने जितना भी लॉ के बारे में समझा है, वो यही जाना है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है लॉ में वो ये है दैट हाउ यू इंटरप्रेट द लॉ। आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन जितना जरूरी सेल्फ स्टडी के वक्त है उतना ही ये जरूरी है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वॉट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आखिर एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो आप अब जिस लेवल पर आ चुके हैं वो कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, आप प्रोफेशनल लेवल पर हैं और एग्जामिनर आपसे प्रोफेशनल अप्रोच ही एक्सपेक्ट करता है एंड ही इज राइट इन हिज सेंसेस, राइट। सो काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को कम समय देते हैं और वो सोचते हैं कि फटाफट से रीड करके मुझे फटाफट से आंसर लिख देना है, और जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं दे रियलाइज कि प्रोविजन जो क्वेश्चन का डिमांड था वो कुछ और था, जो उसने प्रोविजन लिखना था वो कुछ और लिखना था। ऑल्दो आपको वो जो प्रोविजन था वो आता था बट हड़बड़ाहट में आपसे गलत हो गया। तो ताकि आप ऐसे सिचुएशन में ना आए, प्लीज गाइस बहुत अच्छे से थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स अपने क्वेश्चन को दे दें, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। रिमेम्बर कि आपको अच्छे से रिवीजन करना है और आपको राइटली इंटरप्रेट करना है, आपको एक अच्छा टाइम क्वेश्चन को देना है और उसको अच्छे से लिखना है, बिकॉज लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। यहां पर प्रेजेंटेशन में मैं आपको फटाफट से दो तीन टिप्स दूंगी। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसी भी हाल में पैराग्राफ फॉर्मेशन नहीं करना है। सेकेंडली आपको आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिखना है, आपको टुकड़ों में बांटना है आंसर को, किसी भी तरीके से आपको बांटना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको कोई भी केस लॉ पूछा जाता है तो वहां पर आप स्ट्रेट या पॉइंट्स में आंसर को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें वो, क्योंकि केस लॉ है तो इसे केस की तरह समझें। आप उसमें प्रोविजंस लिखें कि क्या लॉ के इम्प्लीमेंट होते हैं, देन आप उसका एनालिसिस करें और ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आप अपने आंसर में उसको बरकरार रखें। आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से वेल कनेक्टेड होना चाहिए। यहां पर एक और चीज के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी ज्यादा समय ना लेते हुए। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि बच्चों के मन में ये बहुत ख्याल आता है और वो काफी सारा वक्त जाया कर देते हैं इस चीज में कि सेक्शंस क्रैम कर रहे हैं, केस लॉज को बार बार क्रैम कर रहे हैं। यहां पर मैं यही कहूंगी कि अगर आप सेक्शन नहीं भी लिखेंगे, अगर आप केस लॉ नहीं भी लिखेंगे तो भी आप फेल नहीं हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, आप कैसे उसको बखूबी प्रेजेंट करते हैं। यकीन मानिए आप अव्वल दर्जे के मार्क्स ले सकते हैं बिना इस क्रैमिंग के भी, सिर्फ अपने एक अच्छे सूझबूझ से आप 80s, 90s कुछ भी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एंड विद दिस ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं यही कहूंगी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड जो ये माहौल है अभी, जो ये दौर चल रहा है, उसमें कभी कभी ना चाहते हुए भी घबराहट हो जाती है। अगर जिनको नहीं होती है, वेरी गुड, और जिन्हें कभी थोड़ी बहुत होने लगे किसी भी मोमेंट पर, तो यहां पर मेरी ये दो तीन पंक्तियां गुनगुना लेना अभी साथ में भी, आई थिंक गुनगुना ही लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा माहौल। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूमके, धरती बोलेगी ये गगन चूमके, यहाँ के हम सिकंदर, यस यहाँ के आप सब सिकंदर। Thank you so much, guys.